देश भर में कोरोना का कहर जारी है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार डोर टू डोर सर्वे कर रही है, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन सर्वे के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को कई जगह पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा एक मामला जोधपुर के मदेरणा कॉलोनी से सामने आया, जहां पर सर्वे टीम के सुपरवाइजर हेमाराम चौधरी के साथ आसिफ सोलंकी नाम के एक युवक ने कर्मचारी के साथ बदसलूकी की और इसी के साथ उनके कपड़े फाड़ते हुए मारपीट करने की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य केंद्र मदेरणा कॉलोनी जोधपुर में मुझे यहाँ एनओएम पे कोऑर्डिनेटर और जोनल सहायक के रूप में लगाया गया है और मेरा सर्वे में क्रॉस चेकिंग करने का और रिपोर्टिंग करने का काम है। तो मैं आज एनओएम जब सर्वे करके लाई, रिपोर्टिंग की, तो मैं घर क्रॉस चेक करने गया। तो चेकेंगे एनएम सही काम तरीके से करी नहीं कर रही। तो मैं मुल्ला जी के घर पे जाके रुका और वहाँ पे पूछा। मैं मुल्ला जी से पूछ रहा था कि आज एनएम यहाँ पे आई या नहीं आई, सर्वे करने आई नहीं आई, आपसे क्या पूछा। तब तक तो ये आया और मेरे को बोला ये मिट्टा यहाँ क्या कर रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब इज्जत से बात कीजिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। इसने आके मेरा गला पकड़ा और मेरा कमीज फाड़ के और मेरा मास्क उतार के और मेरे चार मुँह पे मुक्का मारा और ये मेरा मुँह सूज चुका है और फिर मेरे यहाँ आंतों में चार मुक्के मारे और फिर मैं छुड़वा के उसे जो पास में घर था उस घर में घुस के मैंने खुद ने दरवाज़ा बंद कर दिया।